मुझे आंखों पेन हो रहा था डॉक्टर हो गया, uh -huh. गया। तो लेडी को लेडी को पूछी क्या हो गया सर uh -huh. तो उन्होंने मुझे एक टोटका बताया बोले बेटा टोटका है सैटरडे को कर लेना मैं सर मैं तो रैशनल आदमी हूँ फिर भी मैंने थोड़ा सा समाधान के लिए वो किया चार बजे के बाद मुझे अच्छा तो हिप्नोटिज्म का एक अच्छा पढ़ाई उनकी है साथ में इतने वर्षों का अनुभव रहा है नाइन्टी वन से वो ये कोर्सेस लेते रहे हैं तो फिर उनके कोर्स सी में ऐसा होता है कि कई लोग जो आज हिप्नोथेरेपी सिखा रहे हैं महाराष्ट्र में उनमें से कई लोगों ने वो कोर्सेस किए हुए है मानव सर के तो ऐसे ही एक बड़े हिप्नोटिस्ट और एक पहले से एक हिप्नोटिस्ट थे जिन्होंने हमारा कभी कोर्स नहीं किया मानव सर का पर उनका हिप्नोटिस्ट के तौर पे नाम रहा अब हिप्नोटिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट या पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर इनमें फर्क है हिप्नोटिस्ट जो होगा वो केवल हिप्नोटिज्म पे फोकस करेगा और हिप्नोटिज्म ही सिखाएगा तो वैसे थे हिप्नोटिज्म सिखाने वाले इनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो आप समझिए हिप्नोटिस्ट वन और हिप्नोटिस्ट टू तो हिप्नोटिस्ट ओल्ड वाले और हिप्नोटिस्ट टू यानी जिन्होंने पहले उनको से सीखा फिर मैनो से सीखा और कोर्सेस शुरू किए तो अब हिप्नोटिस्ट टू को उन्होंने फोन किया हिप्नोटिस्ट वन ने और उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर रहा है तो जा अभी तेरा सिर बहुत दर्द देगा <laughs> और दर्द देते रहेगा बढ़ते जाएगा दिन ब दिन और तू जब तक ये कोर्सेस छोड़ता नहीं है लेना तब तक तेरा सिर दर्द देना रुकेगा नहीं दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अब ये जो दूसरे थे हिप्नोटिस्ट टू ये खुद हिप्नोटिस्ट है, है फिर भी उनका सर दर्द देने लगा और जब वो बढ़ता गया बढ़ता गया तो पांच छह दिन बाद फिर उन्होंने मानव सर को फोन किया तो मानव सर को बोला कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में अब क्या करूं तो मानव सर बोले भाई सिंपल सी बात है कि ये तुमने सजेशन ले लिया है तो ये सजेशन लेने के कारण तुम्हारा सर दर्द दे रहा है तो उसके उल्टा सजेशन दे दोस्तों दर्द चला जाएगा तो ये कैसे तुमको क्लिक नहीं हो रहा है तो ऐसा हुआ फिर उन्होंने वो खुद को सजेशन दिया और वो उस दिन से उनका रुक गया पे आपका सिर दर्द देना है पहला वो सजेशन के कारण शुरू नहीं हुआ है वो कैसे होता है तो पहली तो चीज ब्रेन दर्द ही नहीं देता है ब्रेन में आपको अगर पता नहीं होगा तो ब्रेन की जब कोई सर्जरी अगर होगी तो एनेस्थेसिया हमको खोपड़ी तक ही देना पड़ता है खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसमें नर्व एंडिंग्स ही नहीं है यानी दर्द के लिए जो चाहिए जरूरी चीजें वो पोर्शन ही वहां पे नहीं है तो अगर आपकी खोपड़ी खुली हो वहां तक आपका एन काम कर रहा हो तो अंदर के पार्ट में आप कुछ भी कर लो आपको दर्द कभी नहीं होने वाला यानी ब्रेन के अंदर कभी कोई दर्द ही नहीं हो सकता ये पहली बात है फिर हमको जो दर्द लगता है वो क्यों होता है तो एंगजाइटी वगैरह के कारण जब बीपी ऊपर नीचे कुछ हो रहा है उसके कारण तो वहां पे जब ज्यादा खून का दबाव बढ़ गया है बीपी हाई होने के कारण हमको पता है हमको स्ट्रोक क्यों होता है क्योंकि बीपी हाई हो जाता है ज्यादा प्रेशर से दिमाग की तरफ जाने लगता है और ऐसे में कई नस फट जाती है ब्लॉकेज हो तो वहां से फिर वो फट जाती है उसके कारण जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं क्योंकि ब्रेन को बहुत खून की जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा खून जा भी रहा होता है उसके उत्तर उसमें अगर हमारा बीपी वगैरह जब हाई होता है तो स्ट्रोक हमको हो जाता है तो उससे हो सकता है बीपी वगैरह हाई होने से ओवरऑल एंजाइटी वगैरह जब बढ़ती है तो तब उसके कारण हमको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि हमारा सिर दर्द देने लगा है तो ये ये जो हुआ था ये किसी एंजाइटी किसी स्ट्रेस या बीपी अप डाउन होना किसी कारण से वो हुआ होगा यानी ये साइकोलॉजी से रिलेटेड बात है इसका मतलब हो रहा है दिमाग को शरीर को सर को पर उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में है इसका मतलब ये किस तरह की बीमारी है या किस तरह की समस्या है ये साइकोसोमेटिक समस्या है सोमेटिक यानी बॉडी की बॉडी को हो रही है पर उसके पीछे रीजन है साइको यानी साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तो मानसिक कारण से जब कोई शारीरिक समस्या होती है उसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक तो इस तरह का सिर दर्द जो आपको हुआ ये ऑब्वियसली साइकोसोमेटिक है हर तरह का सिर दर्द ये साइकोसोमेटिक होता है अनलेस आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है वगैरह और उसके कारण ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है वो छोड़ के बाकी सारे इसमें ये जो भी हमको इस तरह का समस्या होती है सिर दर्द की वो साइकोसोमेटिक होती है और साइकोसोमेटिक चीजों में सजेशन का बहुत परिणाम होता है ऐसे जो परिणाम होते हैं कि जहाँ पे वो जो मूल आपने जो उपाय किया उसमें कोई औषधि तत्व नहीं है फिर भी रिजल्ट मिल गया इसको हम बोलते हैं प्लासिबो इफेक्ट या सजेशन का इफेक्ट आप बोलोगे मेरा तो विश्वास नहीं था इस बात में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है प्लासिबो में यह देखा गया है कि अगर मैं आपको बताऊं कोई दवाई देते वक्त कि अरे भाई ये झूठी दवाई है प्लासिबो है देखते हैं तेरे पे क्या परिणाम होता है फिर भी उसका परिणाम होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से सजेशन स्वीकार करेगा यह हम उसको पूरा कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं कर सकते ये जो एक हमको लगता है मैं तो इतना रैशनल इंसान हूं मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता फिर ये टोटका करने से क्या होने वाला है ऐसा मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूं हमारे सबकॉन्शियस को ऐसे भी लग सकता है कि अरे यार ये टोटका अगर सच निकल गया तो मेरे रैशनैलिटी का क्या होगा और ये डर के कारण वो टोटका सच में काम करने लगता है तो ये हमारी साइकोलॉजी इस तरह से गड़बड़ तरीके से काम करती है इसके लिए ऐसे रिजल्ट मिलते हैं इसका लॉजिक क्या लगाया जाएगा ये टोटके के बजाय अगर कोई और टोटका कोई बताता उसका भी वैसा रिजल्ट आता है कोई तीसरे तरह का टोटका बताता उसका भी वही रिजल्ट आता इसका मतलब वो टोटके का कुछ लेना देना नहीं है मैं खुद ही ये सजेशन ले रहा हूँ सबकॉन्शियसली इसलिए वैसा रिजल्ट आ रहा है ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच